हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ हूँ। आपका स्वागत है मेरे सुमन गंगवार के किचन चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक डोसा की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही क्रिस्पी डोसा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम समय में बनाते हैं। चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम डोसा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, हमने डोसा के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या रेशियो चाहिए, उसके लिए हम बताते हैं। आज यहाँ 2 कटोरी चावल लेने हैं। यहाँ अभी थोड़े रखे हैं मैंने, 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल, उड़द की दाल। यहाँ मैंने छिलके वाली दाल ली है, मेरे पास धुली दाल नहीं थी, बिना छिलके वाली दाल नहीं थी। और आपके पास अगर बिना छिलके वाली दाल हो तो आप बिना छिलके वाली ही दाल लें, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने छिलके वाली दाल ली है। और इसे अलग भिगो कर रखना है, इन सबको भिगो कर रखना है हमें, इसलिए हमें उड़द की दाल को अलग भिगो कर रखना है। यहाँ पे हमने 3 चम्मच लिया है चना दाल, और यहाँ हमने थोड़ा से मेथी दाना लिया है। अब इन्हें अच्छे से एक बड़े बाउल में लेंगे, और 2 कटोरी चावल और ये वाली दाल, चना दाल और मेथी, दोनों को अच्छे से धोल कर और भिगो कर रख देते हैं पूरी रात के लिए। और इस दाल को अलग भिगो कर रखेंगे पूरी लगभग 4-5 घंटे, या पूरी रात भी, ओवर मतलब ऐसे पूरी रात भी भिगो कर रख सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इनके लिए पूरे ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था। और ये चना की दाल, चावल और हींग मेथी है सॉरी, और यहाँ उड़द की दाल है। इसे अभी थोड़े थोड़े से ये छिलके रह गए हैं, इन्हें साफ़ करके और अब इसे इसका पानी निकाल देंगे और मिक्सी के जार में रख लेते हैं और इसका अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। ज़्यादा ना बारीक हो, ज़्यादा ना मोटा हो, सिर्फ थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। और इस ये पानी फेंकेंगे नहीं किसी पानी को उसमें जार में, क्योंकि दाल पिसेगी नहीं। ये दाल बहुत चिकनी रहती है, उसके ब्लेड फिसल जाते हैं, इसलिए दाल पिसती नहीं, इसलिए यही पानी यूज़ करेंगे उसके साथ में। देखिए यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में ये सारी चीज़ डाल ली है, और इसका थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनाएंगे, ज़्यादा नहीं और सब एक साथ में नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से पेस्ट बन गया है, और ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा मोटा है, अच्छे से हल्का सा दरदरा पीसा जाएगा। और इसे हम बड़े बाउल में लौट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसे लौट लिया है इसमें। और आज आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, इसमें हमने मेथी डाली थी और चना की दाल भी डाली थी, उससे अच्छा बहुत अच्छे क्रिस्पी और कलर भी आ जाता है, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सिकने पर कलर आ जाता है नीचे से, और बहुत ही अच्छे टेस्टी स्वाद भी अलग रहता है। आज यहाँ पे हमने एक तो मतलब भिगो कर रख दिया था, अब इसे पीस लिया। अब इसके बाद में इसे इस बैटर को खमीर उठने के लिए, मतलब यार इसमें बिल्कुल सॉफ्ट और करारे करारे बनने के लिए, हम इसे रात भर के लिए 12-13 घंटे तक इसे ढक करके और रख देंगे, और इसमें खमीर उठ जाएगा। फिर बहुत ही अच्छे टेस्ट, मतलब बिल्कुल अलग तरीके से परफेक्ट डोसा बनेंगे। देखिए ये यहाँ पे, अगर और कोई पूछेगा कि इसमें तो नमक डाला ही नहीं, तो नमक हम अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक हमारे बेटर को अच्छे से खमीर नहीं उठने देगा और बहुत इसकी स्लो हो जाएगा। इसलिए हम गर्मी का मौसम होता है तब तो बहुत ज़्यादा, जहाँ जहाँ गर्मी पड़ती है हम वहाँ पे इसे डाल लेंगे, नमक इसी स्टेज पर डाल देते हैं। वरना ठंडा मौसम रहता है और जहाँ बिल्कुल ठंडी रहती है, ठंडी के टाइम में भी बनाते हैं, तो इसमें इस स्टेज पर नमक नहीं डालेंगे। इसमें इसे रात भर के लिए, मतलब 13-14 घंटे तक
इसे ढक कर रख देंगे। फिर उसके बाद में इस बेटर को अच्छे से खमीर उठ जाएगा और फिर इसमें नमक डालेंगे और फिर अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बनाएंगे। और बिल्कुल ऐसे एयर, बिल्कुल इसके अंदर एयर ना जाए, मतलब हवा ना जाए, इसलिए इसे ऐसे बिल्कुल बंद करके और इसे ऐसी जगह रखेंगे, थोड़ी सी हीट वाली जगह रखेंगे, जैसे आपका टॉवल अगर सर्दी के टाइम में हो तो इसे शॉल वगैरह या किसी चादर वगैरह के अंदर छुपा के रखेंगे, उसमें ढककर रखेंगे दबाकर मतलब, और बिल्कुल इसके अंदर एयर नहीं जाने देंगे। अगर आपके यहाँ पे हल्की गर्मी है या फिर थोड़ा गर्मी का मौसम है तो उसे ऐसे ही मतलब आटे की टंकी में रख सकते हैं या चावल की मतलब आटे की टंकी में। सबसे बेस्ट तरीका है आटे की टंकी में, क्योंकि अंदर आटे के अंदर हीट रहती है, तो आटे के अंदर रखेंगे ना तो ये बिल्कुल थोड़ा गर्म बना रहेगा और इसमें अच्छे से खमीर उठ जाएगा और ये अच्छे से, और मतलब ऐसी जगह रखें कि मतलब कोई हिलाए डुलाए ना, पूरी रात के लिए इसमें एयर ना जाए और हिलाए डुलाए ना। एक बार हिल गया तो बेकार हो जाएगा आपका बेटर और अच्छे से परफेक्ट डोसा नहीं बन पाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ देखिए कितने अच्छे से खमीर उठ गया है इसमें डोसा के बेटर में, और इसे हाथ से ही फेटेंगे। अभी इसमें नमक डालेंगे, इस टाइम पे नमक डाल देंगे और नमक डालकर इसे हाथ से फेटेंगे। हाथ से क्यों फेटेंगे, चम्मच से भी फेट सकते हैं पर हाथ से इसलिए फेटेंगे जो हाथों की हीट रहती है वो इसमें अच्छे से हीट कर पाएगा और इसका बैटर जल्दी से बन पाएगा, अच्छे से बन पाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपने स्वाद के अनुसार, आपको जितना टेस्ट उतने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालें और इसे अच्छे तरीके से हाथों से फेटें। देखिए कितने अच्छे से उठ गया। इसमें थोड़ी स्मेल तो आएगी शुरू में, जब हाथ से फेटेंगे तब स्मेल सारी ख़त्म हो जाएगी और अच्छे से बन पाएंगे। चलिए फेटते हैं इसे। इसे इस तरीके से फेटेंगे, एक ही राउंड में हाथ से फेटेंगे, इसे खूब अच्छी तरीके से फेट जाएगा। और इसमें धीरे धीरे बाद में पानी डालेंगे, जो रखा हुआ पानी था वो हमें फेंकना नहीं था, चावल का पानी इसी में डालेंगे। और इसका देखिए बैटर अभी बहुत थिक है, इडली के लिए है और अभी इसे डोसा के लिए बनाएंगे। पहले से फेंट लेते हैं फिर करते हैं। इसमें एयर भर चुकी है, बिल्कुल हल्का हो गया है। देखिए ये फेटते फेटते बिल्कुल हल्का हो गया है। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के और फेटेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसकी कंसिस्टेंसी इस अच्छे से बनाएंगे। देखिए इतनी 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 थिक बैटर बनाना चाहिए जो अच्छे से हो सके। देखिए ये बिल्कुल हमारे हाथों पे लग गया और ये देखिए एकदम से बिल्कुल साफ़ है, टपक नहीं रहा, अच्छे से है। ये पूरी अच्छे से कंसिस्टेंटली बन के तैयार हो गई है। अब इसका बैटर बनाएंगे, इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं और तब तक इसके आलू का भरता बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आलू के स्टफिंग की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम इसमें थोड़ा ऑयल डाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच के लगभग ऑयल डालेंगे। इसे गर्म होने देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा जीरा डालूंगी, वैसे यहाँ पे राई के दाने डाले जाते हैं और कड़ी पत्ता जरूर डाल जाता है,
मेरे पास कड़ी के पत्ता है नहीं और राई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं जीरा डाल रही हूँ। थोड़ी सी अरहर की दाल और चने की दाल दोनों मिक्स करके डालूँगी और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं। हल्की से हल्दी डालूंगी और थोड़ा सा प्याज डालूंगी। और यहाँ आलू डाल देती हूँ। यहाँ थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है मैंने और थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दूंगा क्योंकि मैंने उसमें भी बटर में भी नमक डाल दिया है। यहाँ मैंने सब कुछ डाल दिया और अब इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब अच्छे से स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, सादे से आलू की स्टफिंग बनाते हैं। यहाँ हमारी आलू की स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अभी इधर हम तवा रख देते हैं और डोसा बनाने की तैयारी करते हैं। जब हम डोसा बनाते हैं तो तवा को पहले अच्छे से गर्म करते हैं और फिर उस पर ऑयल लगाते हैं। ऑयल लगाने के बाद आपने देखा है ना बाज़ार में ऑयल लगा के फिर उसे ठंडा करते हैं पानी डाल के, वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पे तवा ले लिया, उसे गर्म कर दिया है और यहाँ ऑयल लगाएंगे इस पर फिर उसे। अगर आपके यहाँ नॉन स्टिक तवा नहीं हो तो लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं, पर उसे आप अच्छे से साफ़ कर देंगे कि उस पर लगे नहीं। जो आप रोटियां बनाते हैं ना उसका परथन की परोथन लगता है, उसकी परत जम जाती है, इसलिए उसे बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेंगे बालू से, नमक से या किसी से। नमक तो हर किसी के यहाँ मिल जाता है पर बालू नहीं मिल पाती है। आपके यहाँ पे जो हो उससे आप तवे को बिल्कुल साफ़ करेंगे। फिर उस पर एक दो दिन पहले जिस दिन आप डोसा बनाए उस दिन से एक दिन पहले या उसी दिन आप 3-4 पराठे, ज़्यादा नहीं 3-4 पराठे सेक ले उस तवे पर। फिर उसे सेकने के बाद में धुलना नहीं है उस तवे को और उसे कपड़े से, साफ कपड़े से जो उसके ऊपर परोथन की परत होती है वो जमे ना, आप अपने किसी कपड़े से उसे पोंछ कर ऐसे ही रख दे, उसे धुलना नहीं है। मेरे पास नॉन स्टिक बर्तन है, तवा है मतलब, और मैं उसी पे बना रही हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पे तेल लगा लिया है और इसे पर ठंडा कर, ये अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसे ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के तुरंत ही मतलब मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है और इसे जब तक ठंडा करेंगे तब तक वो 1 मिनट के अंदर अंदर उस पर डाल देना चाहिए बटर को, वरना वो बेकार हो जाएगा और आपका चिपकने लगेगा। साफ कर लेते हैं, कपड़े से पोंछ लिया। तो यहाँ डाल दिया, एक दो खराब होंगे, बीच से ऐसे राउंड 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 करके आपकी मर्जी जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब इसे ब्राउन होने तक सेकने देते हैं। ये अच्छे से ब्राउन हो रहा है, इस पर ऑयल लगा देते हैं। और इसे अच्छे से निकाल लेते हैं।
देखिए अच्छे से बिल्कुल बाजार की तरह सिक कर रेडी हो गया है। देखिए कितने अच्छे से सिका है। अब इस पर आलू की स्टफिंग लगा लेते हैं। देखिए बाजार जैसा डोसा हमारा तैयार है। कितना सुंदर बना है, कितना अच्छा कलर आया है। देखिए कैसे भी इसे फोल्ड कर सकते हैं और किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। ऐसे ही चलिए और बना लेते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पे फिर से ऑयल लगा लेते हैं। यहाँ हमने अच्छे से ऑयल लगा लिया। अब इसे गर्म होने देते हैं। और इसे पानी से डाल देते हैं। आप इसे किसी भी साइज़ में कितना भी बड़ा बना सकते हैं। यहाँ मैं छोटे छोटे बना रही हूँ। अब इसे सिकने देते हैं अच्छे से। देखिए हमारा दूसरा डोसा भी बनके तैयार है। कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसे ही सारे डोसे बनाकर तैयार कर लेते हैं और चलिए सर्व करते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये डोसा बन के तैयार हैं। और इसे सांभर, नारियल की चटनी या किसी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हम लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट कीजिए। बाय बाय। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।